अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं तो आपको यकीन कभी ना कभी तो लॉ बुक्स जजमेंट्स या किसी भी केस लॉस पढ़ने के टाइम कुछ ऐसे शब्दों का सामना करना पड़ा होगा जिनको देखते ही पहले एक क्वेश्चन मार्क वाली फीलिंग आई होगी कि क्या है ये पहले तो नहीं सुना पर अब नहीं क्योंकि इस वीडियो से आपकी ऐसे हर डाउट्स क्लियर होने वाली हैं जो आपको तंग करती है आपके लीगल स्टडीज़ के दौरान सो हाई लर्नर्स वेलकम टू नॉलेज सोर्स आज के इस वीडियो में हम एक नया सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जो लीगल मैगजीन पे होगा जिसमें हम बेसिक से लेकर टफ मैगजीम्स के बारे में पढ़ेंगे एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस सम बेसिक लीगल मैगजीम्स सो विदाउट वेस्टिंग इन मोर टाइम लेट्स बिगिन हमारा पहला मैक्सिम है अलीबाई जो एक लैटिन ओरिजिन टर्म है और इसका मीनिंग है अट आना द प्लेस और एल्सर ये मैक्सिम जनरली क्रिमिनल लॉज में यूज़ किया जाता है और इसे ये कहने के लिए यूज़ किया जाता है कि क्राइम के कमीशन के दौरान आप वहाँ प्रेजेंट नहीं थे फॉर एग्जांपल आप पे अगर कोई मर्डर या किसी भी क्राइम का चार्ज लगाया जाता है जिसमें आप इन्वॉल्व नहीं थे तो आप तभी इस मैगज़ीम का इस्तेमाल करके आप ये कह सकते हैं कि आप उस वक्त उस जगह पर प्रेजेंट नहीं थे हमारा दूसरा मैक्सिम है कैवेट जो एक लैटिन टर्म है और उसका मीनिंग है लेट हिम बी अवेयर ये मैगजीम जनरली सिविल लॉज में यूज़ किया जाता है इस मैगजीम से रिलेटेड दो चार और मैगजीम्स हैं जो आपको मेरे अपकमिंग वीडियोज में मिलेगा तीसरा मैगज़ीम है कॉपस जो एक लैटिन ओरिजिन टर्म है और इसका मीनिंग है बॉडी ये मैगज़ीम जनरली बहुत सिविल एंड क्रिमिनल केसेस में यूज किए जाते हैं ये वीडियो बेसिक मैगज़ीम्स के ऊपर है तो इसलिए इसमें आप जो जो टर्म्स पढ़ेंगे वो आपको मेरे फ्यूचर वीडियोस और टफ़ लीगल मैगजीम्स को समझने में मदद करेगा ओके हमारा अगला मैगज़ीम है डिक्टम यह भी एक लैटिन ओरिजिन वर्ड है dictum refers to statement of law made by judge in the course of decision but not necessary the decision itself yani यानी deliver ke के दौरान जज जो जो बोलते हैं उसे डिक्टम कहा जाता है पर यह नेसेसरी नहीं है कि उनकी हर कही हुई स्टेटमेंट उनका डिसीजन हो यानी हर डिसीजन डिक्टम हो सकता है पर हर डिकटम डिसीजन नहीं होता हमारा पाँचवा मैगज है डेटी न्यू जो एक ओल्ड फ्रेंच ओरिजिन टर्म है द टर्म ड्यू रेफर्स रंग फुली होल्डिंग गुड्स विच बिलोंग्स टू एल्स ये मैक्सिम जनरली टॉट लॉ पे यूज किया जाता है जो एक सिविल लॉ है और इस मैक्सिम को तब भी यूज किया जाता है जब कोई आपका कोई सामान या किसी आदमी को रंगफुली रिटेन किया हो हमारा अगला लीगल मैक्सिम है एस्टोपेल ये एक ओल्ड फ्रेंच ओरिजिन टर्म है एंड एस्टोपेल रेफर्स टू प्रिवेंट फ्रॉम डिनाइंग ये मैक्सिम जनरली सिविल और कभी कभी क्राइम में भी यूज़ किया जाता है यह मैक्सिम बेसिकली किसको कुछ करने से रोकने के लिए यूज़ किया जाता है सेवेंथ मैक्सिम है जस जो एक फ्रेंच ओरिजिन वर्ड है इसका मीनिंग है लॉ और राइट इस सब का फ्यूचर लीगल मैक्सिम के सीरीज के वीडियो में और केस लॉस के वीडियो में काफ़ी प्रयोग होगा अगला मैक्सिम है फैक्टो जो एक लैटिन ओरिजिन टर्म है जिसका मीनिंग है फैक्ट इस तरह के मैगजीम्स जनरली अकेले काम नहीं करते इनके साथ एक दो प्रीफिक्स या सफिक्स हमेशा जुड़ा हुआ रहता है अगला मैक्सिम है इन्वेंडो जो एक लैटिन ओरिजिन टर्म है ये बेसिकली डबल मीनिंग टर्म्स के लिए यूज़ किया जाता है जो डिफेमेटरी होते हैं और इस वीडियो की आखिरी लीगल मैक्सिम है मिस जो एक एंग्लो फ्रेंच ओरिजिन टर्म है द टर्म मिस नोम रेफर्स टू रॉन्ग और इनएक्यूरेट टर्म तो अगर आपको इस वीडियो से एटलीस्ट एक भी नया पॉइंट सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं और अगर आपको इस तरह करेंट अफेयर्स और लॉ सब्जेक्ट्स रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर रख दीजिए ताकि मेरे वीडियोस अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर और तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग